Hello everyone, my name is Chandan Sharma. I have secured All India Rank 3 in Engineering Services 2019 in Mechanical branch. And today I will start with metal cutting. क्योंकि पूरे प्रोडक्शन में जो मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है वो मेटल कटिंग है, जिसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, मुझे भी काफ़ी हुई थी. सो मैंने काफ़ी जगहों से पढ़ा था एंड हाँ, मैंने कोचिंग से भी पढ़ा था. तो मेरा मेन जो बेसिक नोट्स था कोचिंग का था. तो मैं ट्राई करूँगा कि स्पेसिफिक रहूँ इंजीनियरिंग सर्विसेज को लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाऊँ. और मैं मेरी बातें प्लीज़ ठीक से सुनिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो डेफिनेशंस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको बताते जाऊँगा, तो आप अच्छे से सुनिएगा. तो सबसे पहले जो आता है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन क्या है. तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में हम ये देखते हैं कि कोई चीज़ बन पाएगी कि नहीं, कि एक जो रॉ मटेरियल है हम उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं फिनिश प्रोडक्ट में. और ये बहुत नैरो टर्म है, इसमें हम इकोनॉमी देन जो कॉस्ट है उसको हम कंसिड्रेशन में नहीं लेते हैं. ये सिर्फ है कि हम एक प्रोडक्ट बनाना है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, तो हम किसी प्रोसेस से इसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं. लेकिन जो प्रोडक्शन है वो बहुत ब्रॉड टर्म है. प्रोडक्शन में हम इकोनॉमी को कंसिडरेशन करते हैं. क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, प्लस प्रोसेस भी आता है. जैसे कि एक कोई हम मान लीजिए हमें एक बड़ा सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल रॉ मटेरियल है, उसको हमें उसका डायमीटर कम करना है, तो हम वो टर्निंग से भी कर सकते हैं, हम वो ग्राइंडिंग से भी कर सकते हैं. ग्राइंडिंग से क्या है कि ग्राइंडिंग से जब हम करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है, साथ में जो स्पीड होती है वो कम होती है, साथ में जो इसके कारण उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा और टूल कॉस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है. और टर्निंग में हमें टाइम कम लगता है और बहुत फास्ट प्रोसेस है, कॉस्ट भी कम है, तो हम टर्निंग प्रीफर करते हैं. तो ये कंसिड्रेशन हम प्रोडक्शन में करते हैं, ना कि मैन्युफैक्चरिंग में. तो ये डिफरेंस है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में. अब जो सबसे पहले है मशीनिंग. मशीनिंग क्या होती है? ओके, तो मशीनिंग हम क्यों करते हैं, क्या होती है? मशीनिंग होती है कि कोई एक रॉ मटेरियल है, तो हम पहले भी किस जैसे एक रॉ मटेरियल है उसको हमें फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना है. फिनिश्ड गुड में तो हम पहले जैसे कास्टिंग हो गई, कास्टिंग में कास्टिंग के थ्रू मान लो आपको करना है, तो कास्टिंग के थ्रू हम एक पहले एक ऑब्जेक्ट का शेप देते हैं, पर जो फाइनल जो कास्टिंग के थ्रू डायमेंशन आ रही है और जो फाइनल डायमेंशन है उसके बीच में डिफरेंस होता है. तो वो जो डिफरेंस है वो हम अचीव करते वो जो डिफरेंस है हम उसको कम करते हैं मशीनिंग के थ्रू. तो मशीनिंग वो प्रोसेस है जिससे हम एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी का जो डायमेंशन है वो क्लोज टू एक्यूरेट लेके हैं. ओके, तो जैसे हम ये कटिंग टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं और मशीनिंग के कारण जैसे आप काफ़ी जगह पढ़ेंगे, जैसे फॉर्मिंग है, रोलिंग है, रोलिंग प्रोसेस है, पियर्सिंग प्रोसेस है, इन सब प्रोसेस जैसे मेनली हम फोर्जिंग एंड फॉर्मिंग प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर रोलिंग प्रोसेस में उसके अंदर क्या होता है कि मैकेनिकल की प्रॉपर्टी चेंज होती है. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वर्क डन किया जा रहा है, ठीक है. लेकिन मशीनिंग में कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है मटेरियल की, याद रखिएगा. तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है. तो ये पूछ लेते हैं कि किस किस चीज़ में किस किस प्रोसेस के थ्रू जो हम प्रोडक्शन में डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे आप, तो उसमें किस में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉ मटेरियल और द फिनिश गुड गेट इफेक्टेड ड्यू टू दैट प्रोसेस. तो उसमें याद रखिएगा मशीनिंग के कारण जो है चेंज नहीं होती है. ओके, उसके बाद जो हम जनरली हमारा जो सिलेबस है मेटल कटिंग का, मशीनिंग का, तो दो टाइप की कटिंग होती हैं. एक होती है ऑर्थोगोनल कटिंग, एक होती है ऑब्लिक कटिंग. अगर आप प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से देखेंगे तो जनरली ऑब्लिक कटिंग्स ही होती हैं, लेकिन ऑब्लिक कटिंग क्या है, बहुत वाइड है और उसको पढ़ना इतना ईजी नहीं है. और हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑर्थोगोनल कटिंग है, तो हम सिर्फ ऑर्थोगोनल कटिंग के बारे में पढ़ेंगे. तो ऑर्थोगोनल कटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो आपको टूल समझना है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगल्स हैं. एंगल्स क्या हैं? क्योंकि जब तक आपको एंगल नहीं पता है कि एंगल कौन सा है, तब तक आपका इफेक्ट नहीं पता चलेगा कि कौन सा एंगल बढ़ाने से कम करने से इफेक्ट क्या होता है. तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरल व्यू दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक वर्कपीस एंड जो हमारा टूल है उसमें कॉन्टैक्ट होता है. तो मान लीजिए ये जो है हमारा टूल है, ओके, और जो हमारा अब इसमें मैं पहले एक बार डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको समझा दूंगा. ओके, तो ये हो गया हमारा सबसे पहले जो ये है हमारा टूल है. ओके, ये जो है हमारा वर्कपीस है एंड ये जो सरफेस है
फिनिश्ड है, ये अनफिनिश्ड है, ओके। इसके बाद जो ये पार्ट जा रहा है ये चिप है, ठीक है। अब इसमें मैं डिफरेंट एंगल्स आपको दिखाता हूँ। तो जो डिफरेंट एंगल्स हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंगल है ये है इसमें, इसको हम, सॉरी ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जो ये एंगल है ये अल्फ़ा है, जिसको हम रेक एंगल बोलते हैं। उसके बाद जो ये एंगल है इसको फाई से डिनोट किया जाता है, सारी जो रेफरेंस बुक्स है उसमें भी। और ये है आपका, इसको हम शियर एंगल बोलते हैं। और जो ये एंगल है इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिलीफ एंगल बोलते हैं, फ्लैंक एंगल बोलते हैं, ओके। एक और चीज़, जो ये सरफेस है इसको हम फ्लैंक बोलते हैं, और रिलीफ सरफेस, और इसको हम रेक सरफेस बोलते हैं, ओके। ये एक है जो आप याद करें, रटें, समझें, जो भी है, पर ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये हमारा टूल हो गया, ये हमारा वर्कपीस हो गया, ओके। और उसके बाद जो एंगल्स हैं ये मैंने आपको दिखा दिए हैं कि ये हमारा रिलीफ एंगल है, एक है रैक एंगल और एक है शियर एंगल। सॉरी शियर एंगल, शियर एंगल का सॉरी जो ये है मैंने आपको गलत बताया, शियर एंगल, ये शियर एंगल होता है, सॉरी, क्योंकि इसको हम शियर प्लेन बोलते हैं, ओके। तो इसके अंदर जैसे और भी कुछ चीज़ें हैं, इसको, ये हो गया हमारा चिप, इसको हम थिकनेस बोलते हैं, अनमशीन सरफेस का थिकनेस, और इसको हम चिप थिकनेस बोलते हैं। इसको टीसी से डिनोट करते हैं हम, और इसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट है वो हम याद करेंगे, हमें समझना है कि जनरली हम देखते हैं कि जो टीसी है, चिप थिकनेस, दैट इज़ ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ अनकट चिप, ओके। तो ये क्यों होता है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो इसके अंदर स्टेटमेंट पे आ जाता है क्यों है। तो इसका फर्स्ट रीज़न है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो कि शियर फेलियर के कारण होता है, सॉरी, ड्यू टू शियर फेलियर। एंड सेकंड है टेम्परेचर और थर्मल एक्सपेंशन, इन दो चीज़ों के कारण होता है। अब आपको एक चीज़ समझना है कि मान लीजिए क्वेश्चन आया, उसमें फर्स्ट, जैसे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं, दो तीन हैं, फर्स्ट भी दिया है सेकंड भी दिया है, तो आप दोनों को टिक कीजिएगा। जैसे होता है ना कि ऑप्शन ए में फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट, ऑप्शन टू फर्स्ट इज़ राइट सेकंड इज़ नॉट राइट, तो उसमें आपको दोनों को सही करना है। एक सेकंड क्वेश्चन है, उसमें ए में फर्स्ट दे रखा है, बी में टू दे रखा है, सी में कुछ दे रखा होगा एंड डी में कुछ दे रखा होगा, ओके। तो इसमें आप कौन सा राइट कीजिएगा, इसमें हम फर्स्ट राइट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर हम इफ़ेक्ट की बात करते हैं, इफ़ेक्ट जो इसके कारण है, अराउंड 95% जो होता है, जो जो थिकनेस बढ़ती है चिप की, वो अराउंड 95 to 98% प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण बढ़ती है। और जो थर्मल एक्सपेंशन है वो माइक्रोन्स में बढ़ता है। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इनकी वैल्यूज भी पता चल जाएंगी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एमएम में होते हैं, या सेंटीमीटर में भी है तो डिफरेंस है, एमएम में होता है। तो इसके कारण जो थर्मल एक्सपेंशन के कारण काफ़ी कम बढ़ता है, जो हम देखते हैं माइक्रोन्स में बढ़ता है, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण 2 to 3 times कभी कभी बढ़ जाता है। तो अगर आप ही समझ गए होंगे मैं क्वेश्चन क्या बताना चाहता हूँ आपको। उसके बाद ये टी को हम डेप्थ ऑफ कट भी बोलते हैं, कहेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब देखिए, रेक सरफेस आपको पता चल गया, ये वाला जो पार्ट है ये रेक सरफेस है, ओके। ये फ्लैंक सरफेस हो गया, उसके बाद ये हमारा रेक एंगल है, ये हमारा रिलीफ एंगल है, और ये हमारा शियर एंगल है, या इसको हम क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं। अब जो है मेन है इसके अंदर डिस्कशन, वो है रेक सरफेस के ऊपर होता है, रेक रेक एंगल के ऊपर। रेक एंगल के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे आगे, इसके पहले हम देख लेते हैं कि जो पैरामीटर ऑफ टर्निंग क्या है, पैरामीटर्स ऑफ टर्निंग, ये हम मशीनिंग में सबसे फर्स्ट टर्निंग पढ़ रहे हैं, ओके। तो इसमें सबसे पहले होगा स्पीड, सेकंड फीड, एंड थर्ड इज डेप्थ ऑफ कट। ये भी क्वेश्चन आ चुका है
पैरामीटर्स ऑफ टर्निंग या पैरामीटर ऑफ टर्निंग पूछा जा गया, उसमें तीन चार ऑप्शन हैं कौन से नहीं है, तो इसमें आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट है। अब हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल कटिंग। यहाँ पर दो टाइप की कटिंग मैंने आपको बताई थी, एक ऑर्थोगोनल होती है, एक होती है ऑब्लिक कटिंग। ओके, तो ऑर्थोगोनल जो कटिंग होती है एंड ऑब्लिक कटिंग में डिफरेंस क्या है, वो एक है कि जैसे मैं एक बताते जाता हूँ कि मैं आपको ऑर्थोगोनल कटिंग का बताऊंगा, अगर इससे डेविएट होगा तो उसको हम ऑब्लिक कटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल कटिंग जो इसमें कटिंग एज ऑफ टूल है वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक बार डायग्राम भी बना देता हूँ 3D में, अगर आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ये हमारा टूल हो गया, ओके, ये हमारा टूल हो गया ऐसे, और जो हमारा ठीक है, तो ये हमारा वर्क पीस हो गया, ये टूल हो गया हमारा, सॉरी ये फिगर काफ़ी ज़्यादा ख़राब बन गया है, सबसे पहले वर्क पीस बनाइए, ये वर्क पीस सॉरी टूल है, ये टूल है हमारा। ओके, ये चिप है और ये हमारा टूल है। तो अगर मैं इसमें एक चीज़ देखूं कि इसके अंदर जो सबसे पहले जो कटिंग एज है, कटिंग एज कौन सा हमारा, ये हमारा कटिंग एज है। ओके, और जो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर देखें तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, अगर वर्क पीस का देखें तो इस डायरेक्शन में। तो फर्स्ट ये हो गया कि कटिंग एज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ कटिंग या कटिंग वेलोसिटी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया कटिंग एज जो है वो वाइडर होना चाहिए देन जो वर्क, जो कटिंग एज वो वाइडर होना चाहिए किस चीज़ से, जो चिप की विड्थ है उससे। क्यों, अगर वाइडर नहीं होती है तो क्या होता है कि जो इसके अंदर एक्चुअली जो ऑर्थोगोनल कटिंग है वो 2D है। ओके, 2D है तो इसमें दो फोर्सेस आते हैं, अगर वो वाइडर नहीं होता है तो ये 3D में चला जाता है। 3D में जाने मतलब कि और भी तरीके के फोर्सेस लगने लगते हैं, तो यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं सिर्फ दो डायरेक्शन में लगते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग में। ऑब्लिक कटिंग में हम 3 डायमेंशनल फोर्सेस पिक्चर में आ जाते हैं, तो कटिंग एज जो है इज वाइडर, वाइडर देन चिप थिक, चिप सॉरी चिप विड्थ। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है, जो चिप जनरेट हो रहा है, जो चिप फ्लो हो रहा है वो भी परपेंडिकुलर टू कटिंग एज होना चाहिए। जो ये चिप है हमारा, ये जो चिप की वेलोसिटी है, ये जो चिप की वेलोसिटी है वो भी परपेंडिकुलर टू कटिंग एज होनी चाहिए। तो चिप वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू कटिंग एज। और जो फोर्थ पॉइंट मैंने आपका सेकंड में भी रिपीट किया था कि जो कटिंग फोर्सेस हैं वो 2D होते हैं, 2D मतलब ओनली दो डायरेक्शन में होंगे। अगर इससे कुछ भी डेविएट हो गया तो हम क्या बोलेंगे उसको, ऑब्लिक कटिंग बोलेंगे। ओके, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के, तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम अब हम बात करेंगे टर्निंग की प्योर, क्योंकि टर्निंग जो है वो एक ऑर्थोगोनल कटिंग है, तो अब हम टर्निंग की बात करेंगे। तो टर्निंग में अब हम एंगल्स की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम टर्निंग की बात करेंगे। अब टर्निंग में सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूँ, जैसे पैरामीटर्स मैंने बताए थे, तो जो स्पीड है, पैरामीटर्स में जो स्पीड है वी, फीड हो गया एफ एंड डेप्थ ऑफ कट डी। जो वी है वो हम आर ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओके, इसको हम कटिंग वेलोसिटी या कटिंग स्पीड बोलते हैं इसमें, और आर जो है, जैसे टर्निंग जनरली हम सर्कुलर की ही करते हैं, तो इसका जो रेडियस है वो आर है, और जिस ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है
वो ओमेगा हो गया, तो मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, उसी को हम कटिंग स्पीड या कटिंग वेलोसिटी भी कहते हैं इसमें। अब जो फीड है, फीड अब इसकी तो आपको पता है कि इसकी एमएम पर सेकेंड, या हमको यूनिट पता है फीड की यूनिट क्या होती है हमारी, एमएम पर रिवोल्यूशन। ओके, कभी कभी ये एमएम पर टिथ में भी दिया जाता है, टूथ में, कि जो एक इसमें जो जो हमारा कटर होता है उसमें, दूसरे में जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ कटर्स के हिसाब से, जैसे मिलिंग में करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ टिथ्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो एक टूथ के जब मूव होता है तो कितना फीड दे रहे हैं, तो उसके अंदर कभी कभी दिया जाता है एमएम पर टूथ में, पर वो टर्निंग में नहीं आएगा, वो हमारा मिलिंग में आएगा, तो ये याद रखिएगा। एंड डेप्थ ऑफ कट आपका एमएम या सेंटीमीटर में रहेगा, तो ये आपको यूनिट का भी ख्याल रखना है उसमें। अब हम रेक एंगल की बात करते हैं। अब जो रेक एंगल है, मैं आपको एक बार में ही बता दूंगा इसमें, सो आपको डिफरेंसेस के लिए अलग अलग नहीं पढ़ा बताना पड़ेगा मुझे। तीन टाइप के रेक एंगल होते हैं, ओके। तो हम दो टाइप की बात करेंगे, तीसरा उसके बीच में आ जाएगा। सबसे फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव रेक एंगल, इसको हम, सेकंड है ज़ीरो रेक एंगल, एंड थर्ड वन इज़ नेगेटिव रेक एंगल। तो अब हम ज़ीरो रेक एंगल की बात जनरली नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात करेंगे। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो ज़ीरो रेक एंगल क्यों चाहिए, क्या होता है, किससे होता है, तो उसके बीच में आ जाएगा, तो उसकी हमें दिक्कत नहीं है। अब जो पॉजिटिव रेक एंगल में, जब मैं टूल का डायग्राम बनाऊंगा तो इस टाइप से आएगा, ओके। जब मैं ज़ीरो रेक एंगल में बनाऊंगा तो ज़ीरो रेक एंगल का टूल ऐसा रहेगा, अब जो हमारा थर्ड है नेगेटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल का इस तरीके से रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जो, अगर हम रेक एंगल, मेन हम रेक एंगल पर याद रखना, तो रेक एंगल क्या है इसमें, रेक एंगल ये वाला है ना, रेक एंगल हमारा ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, तो रेक एंगल ज़ीरो है यहाँ पर, रेक एंगल ग्रेटर देन ज़ीरो है, और यहाँ पर रेक एंगल लेस देन ज़ीरो है, ऐसा ये टर्मिनोलॉजी है, तो आपको याद रखना है ये, ठीक है। अब देखिए, जब रेक एंगल इंक्रीज होगा, अगर मैं कहूँ कि रेक एंगल का इफेक्ट क्या है जब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले जो पॉजिटिव रेक एंगल रिकमेंड क्यों करते हैं, तो हम सबसे पहले इफेक्ट देखेंगे कि पॉजिटिव रेक एंगल क्यों यूज़ किया जाता है, रेक एंगल का इफेक्ट क्या है। तो अगर आप फिगर से भी देखेंगे तो रेक एंगल को अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो हमारा जो लिप एंगल है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है, लिप एंगल डिक्रीज़ होता है, जिससे क्या होगा, अब लिप एंगल डिक्रीज हो रहा तो टूल शार्प होता जाएगा, टूल की जो शार्पनेस है या जो पॉइंट बोलेंगे वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो उसके कारण क्या है कि जो अब हम टूल कट कर रहा है तो उसके वहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो जो स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा जनरेट होगा तो उसका सीधा इफेक्ट टूल लाइफ पे पड़ेगा, टूल लाइफ विल डिक्रीज, ठीक है। अगर टूल शार्पनेस बढ़ेगी, तो ये याद रखिएगा, टूल शार्पनेस बढ़ेगी तो जो कटिंग फोर्स है वो कम होगा, कटिंग फोर्स कम होगा तो जो कटिंग वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगी, जिसके कारण हमारा जो पावर रिक्वायर्ड है वो भी कम होगा, मतलब हम यहाँ पर कटिंग पावर की बात कर रहे हैं। पर टूल लाइफ शार्पनेस बढ़ने से एक चीज़ और आता है, स्ट्रेंथ की अगर बात करें, किसकी, टूल स्ट्रेंथ की, तो वो डिक्रीज होगा। तो अब आपने देख लिया कि इफेक्ट क्या पड़ रहा है, एक चीज़ और है कि लिप एंगल डिक्रीज होता है तो आगे का जो एरिया है वो डिक्रीज होगा टूल शार्पनेस के कारण। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि जो हीट ट्रांसफ़र करने का जो एरिया है, हीट ट्रांसफ़र के लिए है, हीट ट्रांसफ़र एरिया गेट्स डिक्रीज। तो जो चिप, जो हीट ट्रांसफर एरिया डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो टूल के लिए अच्छा नहीं होता है, सिंपल सी बात है, ओके। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको बता दिया कि ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इस चीज़ से, कि अगर मैं रेक एंगल इंक्रीज़ करूँगा तो क्या होगा,
अब डिक्रीज करूँगा तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, एंड जीरो रेक एंगल के लिए ऑफकोर्स बीच में रहेगा। अब हम यहाँ पर पॉजिटिव रेक एंगल कब यूज़ करेंगे, जीरो रेक एंगल कब यूज़ करेंगे, नेगेटिव रेक एंगल कब यूज़ करेंगे, उसकी बात करनी थी।